हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, जब भी एक नया स्टूडेंट नई कॉलेज नई यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, जैसे कि वहाँ पर खाना कैसा मिलता है, पढ़ाई का माहौल कैसा है, हॉस्टल कैसा है और रैगिंग का क्या सीन है। वो सारी बातें उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट ही बता सकता है। तो इसी पॉइंट को लेकर अपन एग्री दंगल यूनिवर्सिटी सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें अभी तक अपन ने 6-7 यूनिवर्सिटियों को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, आप जाइए और उन वीडियो को भी देखिए। तो आज अपन बात करने वाले हैं चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की। जैसा इसका नाम है वैसी ये यूनिवर्सिटी है, प्लेसमेंट के मामले में बहुत आगे है। तो आज की इस वीडियो का पूरा श्रेय राम लखन भैया को जाता है, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं पूरा इस यूनिवर्सिटी के बारे में राम लखन भैया से। सर, तो आपकी कॉलेज फीस क्या थी सर फर्स्ट सेमेस्टर की? फर्स्ट सेमेस्टर की थी हमारी 26,615 कुछ ऐसे थी सर, समथिंग। अच्छा, 26,615 के समथिंग। हाँ, ये आप जब यहाँ जाएंगे तो आप उनको काउंसलिंग में, आपको पता है, 10,000 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। हाँ हाँ, तो वो फिर उस फीस में एडजस्ट हो जाते हैं, फिर 16,000 वापस जमा करवाए थे हमने। अच्छा 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 अच्छा। और आपको वहाँ हॉस्टल मिलेगा। हाँ, और मतलब यूजी वाला फर्स्ट ईयर वालों का अलग हॉस्टल है, और जो सेकंड ईयर से मतलब फोर्थ ईयर तक जाएंगे उनके लिए अलग हॉस्टल है। अच्छा, ऐसा भी है वहाँ पर, अब डायरेक्ट जाके सीनियर साथ नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। हाँ, ओके सर। जिसमें हम रहते थे वो गोरी हॉस्टल था, और जो नीचे है जो सेकंड ईयर से फोर्थ ईयर वालों का, वो धोलाधार हॉस्टल। अच्छा, तो सर हॉस्टल की फीस क्या? हॉस्टल की रहती है 10,000 रुपए शुरुआत में जमा होते हैं आपके, फिर उसके बाद में और कुछ सिक्योरिटी मनी जमा होती है, वैसे ऐसा 10,000। अच्छा, मतलब फीस वैसे लगती नहीं है हर सेमेस्टर में, वो एक बार ही सिक्योरिटी फीस जमा होती है? नहीं, वो सिक्योरिटी तो एक बार ही होती है, फिर तो कम होता है ऐसे 5,000-6,000 रुपए 8,000 रुपए फिर फीस में इंक्लूड होके आ जाती है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं जमा कराना पड़ता है। अच्छा, मतलब आपको अलग से हॉस्टल की फीस जमा नहीं करानी पड़ती, फीस में ही रहती है वो? हाँ, शुरुआत में थोड़ी जमा होती है क्योंकि वो हॉस्टल लेना पड़ता है उस टाइम होती है, बाकी फिर वो एडजस्ट होती रहती है उधर ही, उसमें कर देते हैं, फिर बताते हैं। अच्छा, हॉस्टल का भी उसी डिपार्टमेंट में है तो एसटीयू है तो उनके अंडर में आता है हॉस्टल। ओके सर, तो सर शुरुआत में जाएंगे। हाँ पूछिए। सर खाना कैसा रहता है? ठीक है खाना। खाना ठीक है? हाँ। अच्छा, वेज और नॉन वेज का ऐसा है कि वो आपकी डाइट पे, अगर आपको बनवाना है, अगर जैसे मेजोरिटी रहती है तब एक दिन ही बनता है, वैसे हमारे जब हम थे तो एक दिन ही बनता था। अच्छा, नॉन वेज आपके एक दिन ही बनता था? हाँ, बाकी दिन नहीं बनता था, और शाम को टाइम जिस दिन हमारे पनीर रहेगा उनके नॉन वेज रहेगा जो खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बढ़िया सर। ओके सर, तो सर आपके हॉस्टल में वाईफाई की सुविधा तो होगी? है, वाईफाई है हॉस्टल में, फुल चलता है वाईफाई? हाँ, फ्री चलता है। ओके, आ जाती है ठीक ठाक स्पीड आ जाती है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरा है आपको। ओके सर, तो सर रैगिंग का क्या सीन रहता है आपका कैंपस? रैगिंग फ्री है या रैगिंग? रैगिंग फ्री है हमारा, जैसे तमिलनाडु में आपके में था कुछ ऐसा? नहीं, हमारे तो बहुत स्ट्रिक्ट मामला है। हमारे भी वैसे ही है, अगर आपने किसी की कंप्लेन कर दी सीनियर की तो उसकी डिग्री करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो वो करते ही नहीं थे। हाँ, ये बढ़िया है वो ये है कि आपको अगर जैसे नमस्ते करना है तो कर सकते हो, और नहीं करना तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कि उनकी आंखों में ये कि झांक के चल रहे हो तो फिर वो थोड़ा अजीब लगता है। अच्छा, उससे बढ़िया है कि अगर आपको नहीं करना तो नजर करके निकल जाओ, कोई कुछ वो भी नहीं बोलते हैं अपन से कि आपसे ऐसा कुछ ज्यादा परेशान करेंगे आपको। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा डेकोरम तो रखना पड़ता है थोड़ा। ओके सर, तो सर पढ़ाई का माहौल कैसा है आपके वहाँ पे? जो क्लासे तो इंग्लिश में चलती होगी? हाँ, इंग्लिश में चलती है, और जो थोड़े हिंदी मीडियम से, जैसे मैं हिंदी मीडियम से था, हाँ, तो थोड़ी बहुत मदद कर देते थे टीचर, कोई कोई है जो कर देते हैं आपकी, ऐसा अगर आप थोड़ा बताते हैं तो शुरुआत में फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा अच्छे से। अच्छा, तो वहाँ पे टीचर हिंदी में कम्युनिकेट कर पाते हैं, बोल लेते हैं? हाँ, करते हैं, ऐसे करते हैं हमारे, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश इंग्लिश बोलेंगे आपसे। अच्छा, हिंदी में भी जैसे हमारे कोई कोई टीचर हैं जो इंग्लिश में, वरना वाक्य हिंदी में बोलते हैं, और आपको थोड़ा बहुत जिस टाइम पढ़ाएंगे उस टाइम समझा देंगे, मतलब इंग्लिश में थोड़ा बोल देंगे, और बाकी सब तो सब में नॉर्मल इंग्लिश, क्योंकि हिमाचल में हिंदी चलता है तो फिर वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो सर आपके वहाँ अटेंडेंस का क्या रोल रहता है, कितनी परसेंट कंपलसरी है?
75% कंपलसरी है वहाँ पे ना, अगर मेडिकल लीव कुछ नहीं लगता है वहाँ, फिर आपकी छुट्टियाँ होती हैं, एडवाइजर अलॉट होते हैं, उनको बताना पड़ता है सर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो छुट्टियाँ ली है इसलिए मेरे को पता है। अच्छा सर, ड्रेस कोड रहता है या वैसे ही फॉर्मल कैसे जाते हैं? फॉर्मल आपके जैसे जो घर में पहन वैसा, ऐसा भी नहीं, ड्रेस कोड नहीं है वहाँ पर। अच्छा, कोई ड्रेस कोड नहीं है? नहीं। ओके सर, सर आईसीआर की स्कॉलरशिप का क्या सीन है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटियों में बैक आने पर आईसीआर की स्कॉलरशिप रुक जाती है? आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगी वहाँ पर, ऐसा है कि अगर बैक भी आ जाएगी तब भी मिलेगी आपको फर्स्ट ईयर में, बाकी फिर उसके बाद में तो रुक जाती है। तो सही बोला है आईसीआर। अच्छा, उसके बाद में कम रहती है ओजीपी, तो उसके बाद में रुक जाती है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आती है। हाँ। ओके सर, सर आपके वहाँ स्पोर्ट्स का क्या सीन है, कोई खेलने कूदने वाला बच्चा आए तो उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, खेल कूद का कितना क्रेज है? मतलब टूर्नामेंट होते हैं। अच्छा, टूर्नामेंट होते हैं? हाँ, टूर्नामेंट जैसे होंगे तो सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर पर सेमेस्टर में होगा शायद, एक टूर्नामेंट होता है वहाँ पर। अच्छा। वो टूर्नामेंट होते हैं क्योंकि वहाँ वेटनरी कॉलेज और एग्रीकल्चर और बेस्टी कर ये सब एक ही कैंपस के अंदर है, मतलब थोड़ा अलग है उनका, उधर से उनके बीच में होता है, फिर वहां से निकलते हैं अगर ऊपर जाना होता है तो दूसरी यूनिवर्सिटी है जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो उनके साथ होता है फिर। अच्छा अच्छा, तो आपके वहाँ पीजी भी चलती है, पीजी पीएचडी? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो काफी बड़ा कैंपस होगा सर? बड़ा कैंपस है उनके लिए अलग से ही है। ओके सर, सर आपके वहाँ प्लेसमेंट के लिए बहुत चर्चा में रहता है पालमपुर है, जो प्लेसमेंट का क्या सीन है? नहीं, जैसे आपको यूजी से तो कम ही चांस है, अगर आपके अच्छा रहता है तो हो सकता है, लेकिन जैसे पीजी और पीएचडी करोगे तो फिर उसके बाद में हो जाएगा आपका, ज्यादा स्कोप रहता है। अच्छा, वहाँ पे पीएचडी करने वालों के, एमएससी करने वालों के लिए प्लेसमेंट का ज्यादा संभावना रहती है? हाँ, उनके ज्यादा होता है। अच्छा ओके सर, तो अपन ने जैसे कि पूरे पॉजिटिव पॉइंट थे वो तो कवर कर लिया, आपके हिसाब से कोई नेगेटिव पॉइंट आपने नोटिस किया होगा? आप वहाँ एनएसएस और एनसीसी में से आपको एनसीसी मिलेगा लड़कों को, लड़कियों के लिए चॉइस है। अच्छा, लड़कियों के लिए चॉइस है, लड़कों के लिए एनएसएस और एनसीसी में के एनसीसी लेना पड़ेगा? हाँ, उनको तो कंपलसरी रहता है, अगर कोई आपके कोई मेडिकल इश्यू है फिर आप बाद में जाके ट्रांसफर फिर होता है वो, लेकिन आपको शुरुआत में नहीं मिलेगा। अच्छा। तो आपको टीचर से बात करनी पड़ेगी, फिर आपको मेडिकल टीम बैठेगी वहाँ बताएंगे, आपको धर्मशाला जाना पड़ेगा, ऐसा है। अच्छा। वहाँ जाके अगर आपके प्रूफ होता है कि आप सचमुच में नहीं कर सकते, फिर आपका नए से शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, एनसीसी करना ही पड़ता है 2 साल कंपलसरी। अच्छा, नेगेटिव पॉइंट तो वैसे देखा जाए तो ठीक है, पालमपुर रहने के लिए भी अच्छे हैं, आज वहाँ के आसपास के लोग हैं वो भी ठीक हैं, सब बड़े हैं। अच्छा अच्छा, तो सर आपकी ये जो सारे हॉस्टल कॉलेज है जो सब सारी कॉलेज बाउंड्री में ही होगी, तो बाहर जाने के लिए क्या रूल रेगुलेशन है? कुछ रेगुलेशन नहीं, जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो थोड़ा रखना पड़ता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। आप जा सकते हो, जैसे वहाँ एंट्री करके जाना पड़ता है, हॉस्टल में अगर आप रह रहे हो आईसीआर से अगर आप जाओगे तो वो आप हॉस्टल ही मिलेगा आपको, फिर आप चाहो तो फिर आपको वहाँ एंट्री करके बताना पड़ता है कि हम पालमपुर जा रहे हैं, क्यों बाजार जाना है, तो पालमपुर लिख के और आप जा सकते हो, लेकिन 8 बजे से पहले, 8 बजे बाद 7 बजे का टाइम रहता है वहाँ। अच्छा। बाद में नहीं जान देते, फिर सुबह आप 4-5 बजे, 5 बजे के बाद में जा सकते हो। अच्छा, तो सर ये आपका जो कैंपस है वो बाजार से दूर है, बाजार के पास में है, कैसा है? बाजार से 1 किलोमीटर दूर है और मेन रोड पे है, मेन रोड पे, बस आपको वहाँ से मेन रोड पे से बस मिल जाएगी, 5-10 मिनट में बस मिल जाती है आपको पालमपुर जाने के लिए, बहुत बसें आती है बहुत ज्यादा। ओके सर, ओके सर, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरी जानकारी बड़ी डिटेल से बता दी सर। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो बता दीजिएगा। हाँ जरूर सर, अगर कोई और बात होगी तो मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगा सर। और आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है, आपकी तो बता ही नहीं। तो दोस्तों, आपने सीएसकेवी पालमपुर हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लिया, अब आप दूसरा कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो आप कमेंट में बताओ, और आपके कौन से और सवाल हैं जो मुझे एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पूछने चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई यूनिवर्सिटी के साथ, नई जानकारी के साथ। आपने हमारे यह पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।